राष्ट्रव्यापी छात्र हड़ताल के तहत छात्र संगठन आइसा ने भोजपुर जिला के आरा, कोइलवर, जगदीशपुर, बिहिया सहित कई जगहों से अपना विरोध दर्ज किया। आइसा राज्य सचिव सबीर कुमार ने कहा कि कोरोना काल में जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है, ऐसे समय में पिछले 6 और 7 जुलाई को UGC और गृह मंत्रालय ने जो ऑनलाइन परीक्षा लेने का अधिसूचना जारी किया है वो बिल्कुल ही गैर संवेदनशील है। UGC और गृह मंत्री के छात्रों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं दिखती। वे छात्रों को इस महामारी की आग में झोंक देना चाहते हैं। सरकार छात्रों को जान को खतरे में डालकर नहीं ले सकती है। सरकार सभी छात्रों को अगले सत्र में प्रोन्नत करे और इस तरह के तुगलकी फरमान को वापस ले। सभी छात्रों को बिना शर्त प्रोन्नत करना होगा। सभी लंबित छात्रवृत्तियों को अविलंब बहाल करना होगा। JRF, SRF इत्यादि सभी वजीफों के समय सीमा बढ़ाना होगा। महामारी के बीच ऑनलाइन परीक्षा की साजिश नहीं चलेगी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की आयु सीमा को बढ़ाना होगा। महामारी के दौरान छात्रों की जिंदाबाद। UGC होश में आओ। महामारी के दौरान परीक्षा लेने की नीति वापस लो। सभी छात्रों को अगले सत्र में प्रोन्नत करो। सभी छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत करो। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की आयु सीमा बढ़ानी होगी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की आयु सीमा बढ़ानी होगी। सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देनी होगी। सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देनी होगी। महामारी के आड़ में छात्र विरोधी फैसले वापस लो। महामारी के आड़ में छात्र विरोधी फैसले वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद। सभी छात्रों को बिना शर्त प्रोन्नत करना होगा। सभी लंबित छात्रवृत्तियों को अविलंब बहाल करना होगा। JRF, SRF इत्यादि सभी वजीफों के समय सीमा बढ़ाना होगा। महामारी के बीच ऑनलाइन परीक्षा की साजिश नहीं चलेगी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की आयु सीमा को बढ़ाना होगा। महामारी के दौरान